दीना नाजी है क्या? क्या भाई, दरवाजा तो खुला हुआ। दीना नाजी, चलो हम भी देख लेते हैं। वाह जी वाह, यहाँ तो पूरी महफिल सजी हुई है। सितारे तो तीन तीन है, बस चांद की कमी है। रिसेंट डॉक्यूमेंट। और नंदन बाबू तो पहले ही झंडे गाड़ बैठे हैं। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। ठीक हो आप भी? भाई पुण्य नजर नहीं आ रहा। अरे चड्डा साहब, अरे बैठ तो जाइए, फिर एक एक करके सारे प्रश्न दाग लेना। अरे बैठिए, कुर्सी खींच लीजिए। भाई तीना नाची कर दी नंदन बाबू ने भी बुजुर्गों वाली बात। अरे हमें बैठने की क्या जरूरत है, अब तो टाइम मिला है दिल खोल के जीने का, वरना आपकी और हमारी कलेक्टर गिरी की नौकरी में दिन रात कुर्सियां ही तो तोड़ते थे, और जवानी तो अब शुरू हुई है। ये नहीं सुधरेंगे। बैठो बैठो भाई, मैं तो भाभी जी के पास ही बैठूंगा। मैं चला, सब भाभी के पास ही बैठो, बुड्ढे के पास कौन बैठेगा। आप तीनों बैठ के गप्पे मारिए, अब बीच में कबाब में हड्डी क्या करूंगी मैं, जरा पुन्नी को रसोई में देखकर आती हूँ। भाभी जी अभी तो हम आए हैं और अभी आप चल दिए, ये भी कोई बात हुई? छक्का मारा। नंदराव जी नमस्ते। हुजूर चड्डा साहब आए हैं। मिलन दिखे आपको? खबरदार, जो तूने मेरे बारे में एक भी शब्द कहा जान ले लूंगा तेरी। हुजूर चड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, मेरा भाया कान इनकी तरफ है ना, तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरूर मुझे आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। चड्डा साहब जी, सुनने के बच्चे को कहिए, बाएं हाथ का पड़ गया तो दाया कान भी बहरा कर दूंगा। कम मगर मजे लेता रहता है। हुजूर आज चड्डा साहब को बिना खाना खाए मत जाने देना, बिना खाना खिलाकर पूरे 10 लोगों का पेट भरने का पुण्य लगेगा हमें। पुराने फोन के खराब रिसीवर, चुप हो जा और जा जाकर चाय बनाकर ला। हुजूर चड्डा साहब के लिए चाय कप में लाऊं या अपने पुराने पतीले में?